नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। देखिए क्वेश्चन, अ ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर। तो जो एक ब्रोच बना हुआ है ये सिल्वर वायर का है, इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल, सर्कल के फॉर्म में है, विद डायमीटर, इसकी डायमीटर जो है वो 35 मिलीमीटर है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर, इसमें जो है 5 डायमीटर का यूज हो रहा है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये पूरी सर्कमफेरेंस लग रही है। तो इसको हमें बेसिक क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर ये क्या हो जाएगी। देखिए सबसे पहले तो 5 मल्टीप्लाई डायामीटर हो जाएगा, है ना, और प्लस सर्कमफेरेंस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इसमें ये डायामीटर 1, 2, 3, 4 और ये 5 डायामीटर यूज हो रहे हैं और ये सर्कमफेरेंस, ये पूरे सर्कल का ये सर्कमफेरेंस यूज हो रही है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि डायामीटर क्या है। तो डायामीटर हमें गिवन है 35 मिलीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 35/2। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास थीटा जो है, थीटा कितना होगा, थीटा भी हम बता देते हैं। तो थीटा देखिए, टोटल ये 360 का होता है, टोटल होता है ये 360 डिग्री का, तो टोटल होता है 360 डिग्री का, और कितने पार्ट है इसके, इसके 10 पार्ट हैं, इसको हम कट कर देंगे तो थीटा कितने का जाएगा 36 डिग्री का थीटा जाएगा, बट हमें वो यूज़ आएगा सेक्टर निकालने में, अभी यूज़ नहीं है थीटा का। चलिए देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे, तो हमारे पास 5 डायमीटर कितना है 35 + 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितनी है हमारे पास 35/2, इसको हम कट कर लेंगे। देखिए 7 से ये गया 5 बार में, यहाँ से ये कट गया, है ना, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से ये जाएगा 5 × 5 = 25 कैरी 2 × 5 = 15 और ये 17 प्लस, इसका इससे 5 से इंटू कर लेंगे तो आएगा 110 और इन दोनों का जब कर देंगे तो यह जाएगा 5 प्लस करना है 8 और 2 285, यह आएगा आपका आंसर, ये मिलीमीटर में आएगा, है ना। जब भी हम इसका क्या सर्कमफेरेंस निकाली, लेंथ निकाली, इसलिए इसमें पावर 2 नहीं लगाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमें क्या निकालना है वो देख लीजिए। नेक्स्ट हमें निकालना है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, मतलब ये का सेक्टर निकालना है हमें, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है, तो ये कितना है, ये 30 डिग्री है और इसके जो रेडियस है वो 35/2 है। एरिया ऑफ ईच ब्रोच ये क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो आएगा थीटा की वैल्यू हमारे पास 36/360 × 22/7 इंटू रेडियस क्या आती 35/2 होल स्क्वायर। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसको ये काट देंगे 1/10 आ जाएगा इंटू 22/7 35/2 × 35/2। तो देखिए सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कट करना है, इससे मैंने इसको कट कर दिया 5 टाइम में, ठीक है, और यहाँ से ये वाला 5 से गया ये 2 टाइम में और ये कट गया यहाँ से 2 से 11 टाइम में। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा वो देख लेते हैं, मेरे पास है 11 × 35/4। तो इसको मैं जब आगे जाके सॉल्व करूँगा, देख लीजिए 11 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे 55 कैरी 5 33 और 5 38/4 मिलीमीटर स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।